हाउरूफिक्स जियो चैट ऐप इनकरेक्ट ओटीपी प्लीज़ री एंटर प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप भी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझे ओटीपी भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मुझे शो हो रहा है ओटीपी इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट ओटीपी प्लीज़ री एंटर और टू मेनी अटैम्प्ट्स, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का बता रहा है। तो दोस्तों, जब हम जियो चैट ऐप को साइन अप करने जाते हैं तो ओटीपी के वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। हमें ओटीपी रिसीव नहीं हो पाते, हम तक ओटीपी पहुंच नहीं पाते, तो हमें ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों, क्या सॉल्यूशन करना है, कैसे प्रॉब्लम फिक्स करना है, इसी वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको बताऊँगा सॉल्यूशन, कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये भी मैं आपको इसी वीडियो पर बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इनकरेक्ट ओटीपी और मुझे ओटीपी भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार दोस्तों मुझे मिला था, लेकिन मैंने ओटीपी को एंटर किया तो दोस्तों उसके बाद ओटीपी भी नहीं आ रहा है और इनकरेक्ट ओटीपी बता रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों, आपको कोई चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे कि आपके मैसेज अगर ब्लॉक है, ठीक है, तो आप जाइए, ठीक है, अपने मैसेज पे थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, इस पेमेंट ब्लॉक लिस्ट चेक कर लीजिए। अगर आपने अननोन मैसेज को ब्लॉक कर रखा है तो उन मैसेजेस को जो है अनब्लॉक कीजिए, ठीक है। अननोन नंबर्स मैसेजेस अगर ब्लॉक करोगे तो आपको मैसेज रिसीव करने में दिक्कतें हो सकते हैं, तो उन सेटिंग्स को डीएक्टिवेट कीजिए। उसके बाद मोबाइल का इनकमिंग आउटगोइंग चेक कीजिए, अगर बंद है इनकमिंग आउटगोइंग तो आपको रिचार्ज करवाना होगा, उसके बाद आपको ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। सारी सर, आपका नेटवर्क कनेक्शन सही होना चाहिए। अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो दोस्तों आपको उसके बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेटवर्क में दोस्तों अगर कोई भी इशू रहा, सर्वर में कोई भी प्रॉब्लम रहा, तो एक बार दोस्तों आप अपने नेटवर्क सेटिंग को रिसेट करके देखिए। जैसे कि सिस्टम पर क्लिक किया, उसके बाद रिसेट पर क्लिक कर दिया, एंड देन यहाँ पे आपको रिसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा। सिम सेलेक्ट करते हुए आपको रिसेट सेटिंग करना है और थ्री अपना जो पासवर्ड है उसको एंटर कीजिए, ठीक है, उसके बाद रिसेट हो जाएगा। ये करने के बाद दोस्तों आप मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए, एक बार चेक करके देखिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो दोस्तों अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप एक बार ऐप को अपडेट कीजिए। ऐप अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको सेटिंग पर जाना है दोबारा से। तो ऐप अपडेट करने के लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर जाना होगा, ठीक है। प्ले स्टोर में जाके ही आपको ऐप अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, एंड साथ ही साथ दोस्तों अपडेट के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सेटिंग पर जाके ऐप एंड नोटिफिकेशन, यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा ऐप एंड नोटिफिकेशन, मैनेज ऐप, इंस्टॉल ऐप, ठीक है। तो उसमें जाइए और सी ऑल ऐप्स पर क्लिक कीजिए, एंड देन आपको यहाँ पे जियो चैट ऐप को सर्च कर लेना है, ठीक है। तो उसमें जाइएगा तो जियो चैट को यहाँ पे सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो सर्च करने के बाद दोस्तों इसको ओपन करें, फोर स्टॉप कीजिए, ओके कीजिए। ओके करने के बाद स्टोरेज एंड खेज पर जाइए, क्लियर स्टोरेज करके ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों आपको परमिशंस अलाउ करना है, एंड देन आपको मोबाइल डेटा एंड वाईफाई पे जाके सेटिंग को ऑन कर देना है, जैसे कि बैकग्राउंड डेटा को ऑन करना है, मोबाइल डेटा वगैरह एक्सेस कर देना है। तो ये करने के बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट करना होगा दोबारा से नीचे जाके मैसेज, मैसेज पे जाके आपको करना है फोर स्टॉप ओके, एंड देन आपको स्टोरेज एंड कैश पर जाके क्लियर स्टोरेज ओके कर देना है। और ये करने के बाद दोस्तों आपको जाना है परमिशन, परमिशन अलाउ कर देना है, मोबाइल को रिस्टार्ट करना है, और उसके बाद जाइए दोस्तों अपने जियो चैट ऐप कहाँ पे है सर्च कीजिए, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर को एंटर कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये कर दिया मैंने, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको ओटीपी मिलेगा उसको सेट कीजिए, 3720, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। आपका ओटीपी साइन अप प्रॉब्लम, ठीक है, ओटीपी इनकरेक्ट या फिर किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, वो सब कुछ इसी सॉल्यूशन के मदद से
फिक्स हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।